संभल के गुन्नौर क्षेत्र कस्बा पत्रिया में पहली बार सांसद बनकर आई संगमित्रा मौर्य कस्बा पत्रिया व आसपास की जनता व महिलाओं ने किया भव्य स्वागत और जनता से हाथ जोड़कर अपील की कि आपने मुझे बहुत अपार खुशी दी है कि आपने मुझे व मोदी जी की सरकार में भाजपा को अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाया। मैं जनता से हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और कहा कि मुझे जनता ने ही जिताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के सांसद से बहुत परेशान थी जनता, जहां परिवर्तन चाहती है, और जनता से वादा किया जो मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई है वह आप तक जरूर पहुंचेंगी, साथ ही जो रोकेगा उसका भी सफाया किया जाएगा। इस मौके पर दीपक यादव मल्होत्रा, अशोक भारती चेयरमैन, अखिलेश यादव जिला महामंत्री, बनवारी सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य नरेंद्र मोदी, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य नरेंद्र मोदी। क्षेत्र में नहीं आता, जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि गुंडौर क्षेत्र के गुंडौर तो मेरे गुलाम होंगे। जनता ने जिताया है क्योंकि जनता यहाँ के सांसद से परेशान थी, जनता यहाँ परिवर्तन चाहती थी। बस जनता के अंदर जो डर था वो निकालना था कि डरने की जरूरत नहीं है, और उनकी बेटी ने ये काम किया कि डरने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन आपके हाथों हो सकता है। और जनता ने अपनी बेटी की बात को मान करके, अपने अंदर का डर निकाल करके बदायूं लोकसभा में कमल खिलाने का काम किया है। निश्चित तौर पर बदायूं की जनता देवतुल्य है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के पुष्पनगर स्थित विद्युत स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाले बूंदा गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने को लेकर प्रदर्शन किया तथा विद्युत विभाग एवं जे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विद्युत आपूर्ति तो होती है लेकिन सिर्फ सिंगल फेज में होती है, और वोल्टेज लो होने के कारण न तो लाइट सही ढंग से जलती और न ही विद्युत संबंधित उपकरण सही ढंग से कार्य करते हैं। वहीं गांव में लगभग 1200 की आबादी है जो इस भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के कारण परेशानियों का सामना कर रही है। वहीं गांव में सिर्फ 25 केवीए का ट्रांसफर लगा हुआ है जिस कारण आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है। साथ ही लोगों की मांग है कि गांव में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हो सके तथा जर्जर तारों को बदला जाए और सिंगल फेज की जगह डबल फेज तारों को लगाया जाए। इस अवसर पर अर्जुन यादव, श्याम देव मौर्य, रवि अग्रही, तारा शंकर मौर्य, वंशराज मौर्य, पप्पू यादव, मिंटू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। आजमगढ़ दीदारगंज क्षेत्र के डी कैथोली गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार चचेरे भाइयों की ज्ञात स्कॉर्पियो वाहन के धक्के से मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई और मोटरसाइकिल सवारों को रौंद कर घायल कर दिया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के डी कैथोली गांव निवासी लेखपाल छोटेलाल यादव जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में कार्यरत है, जो शाहगंज बाजार में मकान बनवाकर रहते हैं तथा साथ ही में रहकर बड़ा बेटा विवेक 27 वर्ष एमए पास करने के बाद शाहगंज से आईटीआई कर रहा था कि सुबह अपने चचेरे भाई अमन 16 वर्ष पुत्र हरिहर को अपनी मोटरसाइकिल टीवीएस पर बैठा कर अपने गांव डी कैथोली के लिए 8 बजे निकला था कि रास्ते में ही शाहगंज पलती मार्ग पर बैरक डी पुलिया से लगभग 100 मीटर पश्चिम पलती की तरफ से जा रही सफेद स्कॉर्पियो यूपी 17E1000 के धक्के से दोनों चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। लोगों ने दोनों को उठाकर शाहगंज के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए जहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील के साथ साथ फिलिंग पेट्रोल पंप पर पत्रकार एकता संघ के जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में चलाया गया प्याऊ पत्रकार एकता संघ की टीम ने राहगीरों को रोक रोक कर शरबत पिलाया। इस मौके पर मोहम्मदी के चेयरमैन कन्हैया और संसदीय मेहरोत्रा व पत्रकार एकता संघ के जिला अध्यक्ष जगतार सिंह, उपाध्यक्ष कपिल कुमार, जिला सचिव एहसाब अहमद सिद्दीकी, जिला सचिव कमलेश तिवारी, सह सचिव सुखविंदर सिंह, संगठन मंत्री मोहित शुक्ला, राज बहादुर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, अमित कुमार, जसवंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम की रिपोर्ट, मोहम्मदी खीरी।